नमस्कार, ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। सूर्य प्रधान सिंह राशि इस सप्ताह आपको किन बातों से संभलना है और कहाँ आपको सावधानी रखनी है और कैसा आपका जीवन इस सप्ताह चलेगा, संपूर्ण विषय की विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को आप आखिर तक देखें, उपाय की भी चर्चा की जाएगी। अच्छा लगे तो आप चैनल पे अच्छा लगे और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिंह राशि वाले के जीवन में इस सप्ताह बहुत सारी चीज़ें होगी। पूरा सप्ताह अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ होगी। दो बड़ी घटनाएँ यूनिवर्स में हो रही है। शुक्र का आगमन वृषभ राशि में हो चुका है 6 तारीख को और सूर्य भी राशि परिवर्तन कर रहा है। सूर्य और गुरु की युति स्टार्टिंग में चल रही है। तो इस तरह से सिंह राशि वालों की बात करें तो इनके कई रुके हुए काम इस समय बनेंगे। जो भी कार्य अभी तक लंबित होते हुए चल रहे थे उनके बनने के आसार हैं। आपके आत्मविश्वास में इस समय वृद्धि होती हुई देखी जाती है। साथ ही सरकारी रुका हुआ अटका हुआ काम भी बनेगा। मल्टीपल आपको फ़ायदा ये सप्ताह देखे जाएगा। एक दो दिन आपको सावधानी रखनी है जिसकी मैं अभी आगे चर्चा करूंगी। संतान का सुख भी आपका बढ़ेगा। संतान दूर है तो संतान आपके पास में आ सकती है और संतान को कई तरीके से लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जा सकती है। अगर आपके संतान बड़ी है तो संतान के धन में वृद्धि हो रही है और संतान को धन की प्राप्ति हो रही है। कैरियर से संबंधित संतान के प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस सप्ताह तारीख के हिसाब से बात करें तो 10 तारीख की बात करते हैं तो 10 अप्रैल को अस्थिरता का सा माहौल रहेगा। आपको ये तारीख आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। वैसे तो 10 तारीख को अस्थिरता रहेगी परंतु इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से ही दोपहर से आपके हो जाएगी। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। घरेलू कलह या लड़ाई झगड़े का डर बना हुआ है। माता से आपके विचार नहीं मिलेंगे और माता से आपको कलेश हो सकता है। पैसे की भी गलत जगह इन्वेस्ट होने की संभावना है या पैसे व्यर्थ में खर्च हो जाएं, इस तरह का योग बन रहा है। मन आपका शांत रहेगा परंतु जो लोग नई नौकरी व्यवसाय के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा दिन रहेगा ये। घर परिवार से आपके संतान को दूर जाना पड़ सकता है या आप स्वयं दूर जा सकते हैं इस दिन, परंतु आप घबराएं नहीं, जन्म स्थान से दूर जाने का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद जो चल रहा है वो इस समय हावी होगा और प्रॉपर्टी के संबंध में या उसकी खरीद बेच के संबंध में बातें होगी। आगे चल के प्रॉपर्टी का विवाद आपका हल होता हुआ भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं 11, 12 और 13 अप्रैल की। तो 11, 12, 13 अप्रैल है, ये 3 दिन है। इस समय सिंह राशि वालों के सितारे बुलंदी पर रहेंगे। बहुत ही अच्छा ये धन लाभ प्राप्त करेंगे। मोटे धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ शेयर खरीद रखे हैं या कहीं से आपको धन चाहिए तो इस समय मोटे धन की आपको प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग संतान चाहते हैं और गर्भधारण नहीं हो रहा था उनको भी गर्भधारण की इस समय संभावना बढ़ जाएगी और वो संतान कंसीव कर जाएंगे। चारों तरफ से धन का आगमन इन 3 दिनों के अंदर हो रहा है। इस समय आपकी लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा और संतान से आपकी जो डिस्टेंस चल रहे थे, दूरियां चल रही थी, तो वो दूरी कम होगी। संतान अगर बाहर रहती है तो आपके पास आ सकती है। पुराने कोर्ट केस, कचहरी, मुकदमे, जो भी वाद विवाद आपके चल रहे थे वो वाद विवाद सुधार की ओर चलेंगे और हल होने की तरफ चलेंगे और इसमें आपकी जीत होगी। साथ ही आपको इससे धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है या आपको अपने व्यापार या व्यवसाय में कोई मुनाफा हो। इन 3 दिनों में आपको मुनाफा होगा। विदेशी व्यापार कर रहे हैं या विदेश में आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो विदेश से भी धन की प्राप्ति होती हुई या लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। कर्ज से मुक्ति का योग इस समय बन रहा है क्योंकि आपको इतनी बड़ी मात्रा में धन मिले तो हो सकता है आप अपना कोई कर्ज या कोई पेंडिंग बकाया बिल चुका दें। इस समय स्वास्थ्य में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम या सिर में दर्द रह सकता है। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यात्रा के इस समय योग बन रहे हैं और यात्रा से आपको लाभ होएगा। विदेशों से धन और लाभ आप कमाते हुए दिख रहे हैं। बड़ी संतान है, उसके स्वास्थ्य में इस समय सुधार आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 14 और 15 अप्रैल की।
तो ये जो 2 तारीख है 14 अप्रैल और 15 अप्रैल, ये तारीखें थोड़ी सी ठीक नहीं है। इस समय आपको बहुत ही सावधानी से चलना है, जल्दबाजी से आपको बच करके रहना है, क्रोध से भी इस समय बचना है, क्योंकि आपको लोग जो भी आपके आसपास वाले हैं वो आपको आवेश में लेके आ जाएंगे, क्रोध आपको आ जाएगा और क्रोध ही क्रोध में सिंह राशि वाले अपना आपा खो देते हैं शीघ्र ही, ये उनका स्वभाव होता है और कुछ भी बात वो अपने पेट में नहीं रख पाते हैं, ऐसा ही उनका स्वभाव होता है, कोई राज की बात उनके पास टिक नहीं पाती है, और ऐसा ही कुछ आपके साथ होएगा, आप आक्रोश में आके अपनी मन की बात शेयर कर लेंगे, जो भी सामने वाले व्यक्ति हैं वो आपके शत्रुवत होंगे और वो मित्रवत व्यवहार करके आपके मन की बात या आपको उकसाकर आपके मन की बात जान लेंगे और बाद में वो ही लोग आपको परेशान करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपके आसपास जो लोग दिख रहे हैं उन्हें अपना मित्र न समझ के उनके सब प्रति ज़्यादा आप लगाव और दिलचस्पी न रखें, क्योंकि वो आपके मन की बात जान के बाद में आपका मजाक बना सकते हैं और यह आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय 14 और 15 तारीख को बेहद सावधानी रखनी है, कम बोलना है, अधिक सुनना है, मन की बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है, पुराना केस मुकदमा जो भी चल रहा था उसमें भी आपको परेशानी हो सकती है, परंतु अंत में आपकी जीत निश्चित होगी। आखिरी का सप्ताह अगर देखें तो आखिरी के टाइम में आपके स्थिति में सुधार हो जाएगा, सप्ताह का अंत काफ़ी अच्छा है, लव लाइफ में सुधार होएगा और आपसी समझ आपकी अच्छी बनेगी, दाम्पत्य जीवन में भी आपके सुधार होएगा और आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, जीवन साथी का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, नौकरी और व्यवसाय का भी योग है, जिन लोगों के नौकरी व्यवसाय नहीं है उनके नौकरी व्यवसाय लगने का या व्यवसाय में कुछ सुधार होने का योग है, जो लोग कुंवारे हैं जो विवाह योग्य हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छी जगह से विवाह के रिश्ते आएंगे और विवाह का संबंध या विवाह की बात पक्की होने का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में इस समय अगर आपके चेहरे पर कोई फोड़े फुंसी दाग धब्बे की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे तो उसमें सुधार होएगा, कुल मिला के स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, यूरिनरी या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसमें भी सुधार होएगा, आँखों के नेत्र रोग हैं उनका आप ध्यान रखें, वहाँ थोड़ी सी परेशानी चल रही है। तो इस तरह से सिंह राशि वालों का ये सप्ताह काम बनाने वाला है, संतान से संबंधित काम बनेंगे, सूर्य और गुरु की युति आपको फ़ायदा अवश्य दिलाएगी, प्रॉपर्टी का विवाद भी हल होने की दिशा में कार्य करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी को आप सेल और परचेज करना चाहते हैं, कोई पर्यटक संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो उसके सेल या परचेज दोनों ही का ही योग बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहते हैं तो आप उसको बेचने की दिशा में कार्यरत रहेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद हल होते हुए दिख रहे हैं। इस तरह से सिंह राशि वालों का ये सप्ताह शिष्टता की ओर जा रहा है, आखिर में काफ़ी शिष्ट परिणाम मिलेंगे, उपाय के तौर पर करें तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का निवास है और इससे शुक्र और गुरु दोनों ही आपके मजबूत होंगे और आपको धन लाभ प्राप्त होएगा। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की आपकी वृद्धि होती रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।